रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल माई ब्यूटी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे और खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। अगर चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो और वो उदास हो तो अच्छा नहीं लगता। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी हो तो हर तरफ बहार नज़र आती है। लेकिन सोचें कि अच्छी मुस्कुराहट के पीछे भी एक राज है, और वो है कि चमकते खूबसूरत और सफ़ेद दांत। अगर दांत पीले हों या फिर कीड़े वाले हों तो फिर मुस्कुराने से भी बंदा गुरेज करता है। जी हाँ, आप ठीक समझे। हमारी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि दांतों की हिफाजत कैसे करेंगे, कि किस तरह आप अपने दांतों को खूबसूरत सफ़ेद तर और चमकदार बना सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो फिर चलिए जल्दी से आपको टिप्स बता देती हूँ। फर्स्ट रेमेडी है हमारी, एक साफ कटोरी लेंगे और उसके अंदर डालेंगे आधा लीमू का रस, और इसके बाद हम लेंगे टूथपेस्ट थोड़ी सी, और इसके बाद लेंगे हम मीठा सोडा एक चुटकी, अब इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्सचर को टूथब्रश की मदद से अपने दांतों पे अप्लाई करें, साथ साथ ब्रश भी करते जाएं। ऐसा 3 मिनट तक करें और बस अपने दांतों की फौरी चमक दमक देखकर आपके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाएंगे। इस नुस्खे को हर हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड रेमेडी की तरफ। अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो अपने ब्रश के ऊपर लगाएं टूथपेस्ट और उसके ऊपर एक चुटकी भर के डालें मीठा सोडा और फिर जल्दी से ब्रश कर लें। आपके दांत एकदम साफ और चमकदार हो जाएंगे। जिनके दांत साफ सुथरे हैं मगर वैसे दांतों का रंग सफ़ेद नहीं, दांत की हड्डी अंदर तक जर्द और पीली है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूँगी। वो टिप ये है कि सुखचैन के दरख्त की मसवाक करें, बाकायदगी के साथ एक हफ्ता तक ताज़ा मसवाक करें, दांत बिल्कुल सफ़ेद तर और खूबसूरत हो जाएंगे। वैसे भी रमज़ान अल मुबारक में एक नमाज का सवाब 70 गुना है, और मसवाक करने से आम दिनों में एक नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो फिर सोचें कि रमज़ान अल मुबारक में यह सवाब कहां तक पहुंचेगा। जो लोग मसवाक नहीं कर सकते तो वो मसवाक की ऊपर वाली छाल उतार लें और उसे चबा चबा के दांतों पर रगड़ते रहें, इससे भी दांत सफ़ेद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी टिप ये है कि दांतों को बाकायदगी से रोज़ाना ब्रश कर लिया करें तो आप बहुत सी दांतों की बीमारियों और तकालीफ से बच सकेंगे इंशाल्लाह। हर खाने के बाद कुली करें और रात को सोने से पहले हो सके तो ब्रश लाजमन करें। दांतों को खूबसूरत बनाएं और दांत भी आपकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल माई ब्यूटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।